Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Virgo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. Virgo, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर देख सकते हैं. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे Virgo, मैं दिसंबर मंथ की जनरल प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. वो लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ. कार्मिक पार्टनर, ओके. लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, नाइस. एंड लव बिलीफ, ओके. ओके, ठीक है. लेट्स चेक टैरो से क्या एनर्जी आती है. मैं ओशो डेक यूज कर रही हूँ फॉर मोर इंट्यूटिव रीडिंग. राइड अ वेट वर्जन मेरा मन नहीं था. ओके, ये मेरी दुनिया की सबसे फेवरेट डेक है. ठीक है वर्गो, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर वर्गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023. ओके, लेट्स कट द डेक. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, हार्मनी. ये कार्ड बहुत आया रीडिंग में इस बार. इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, ट्रस्ट. Future action of your partner, suppression. Your energy, conditioning. And future of this relationship is clinging to the past. What's happening? Bottom of the deck is a tower card, thunderbolt card. Zodiac sign bata deti hu, Pisces, Cancer, Scorpio and Aries, Leo, Sagittarius. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ वोगो. रिलेशन आप लोग के, अगर आप लोग को मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में इश्यूज पास्ट में थे और फ्यूचर में आते हुए दिख रहे हैं, बट अगर आप लोग अपने अपने बिहेवियर पे वर्क ऑन नहीं करोगे, ये रिलेशनशिप मुझे अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है. यू नीड टू वर्क ऑन योर बिहेवियर वोगो, वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग दिस. और इस पर्सन को भी अपने बिहेवियर पे वर्क ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एनीवे, पॉजिटिव हो सकता है सब कुछ, बट बताती हूँ. ओके, करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, दे आर इन लव विथ यू. बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा दे फील अ डीप इमोशनल कनेक्शन विथ यू वर्गो. एंड यू रियली गिव दम दैट पीस, दैट हार्मनी इन देयर लाइफ. दो डॉल्फिन्स का पेयर है तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये एक कोई सोलमेट कनेक्शन या वैसा डिवाइन कनेक्शन भी होते हुए दिख रहा है. करंट एनर्जीज ब्यूटिफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं वोगो, ये पर्सन आपके साथ. इंटेंशन, आई एम सीइंग ये लड़की, जैसे ये लड़की जो है ये फ्लाई कर रही है, ये आसमान में उड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन है आपके साथ ट्रैवल करने का, कहीं किसी दूर इलाके में जाके आपके साथ हॉलीडे मनाने का. सेकेंडली, इनका इंटेंशन इज़ द ट्रस्ट कार्ड एंड विद द पिंक एंड ब्लू एलिमेंट आई एम सीइंग दैट दे वांट टू बी विथ यू. वो ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक कनेक्शन, एक डीप इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं. इनका इंटेंशन है टू बी विथ यू. वो ये चाहते हैं आपके साथ होना और ये आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं. ट्रस्ट का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर. वो ओवरऑल आई वुड से दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू. दे वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विथ यू. इंटेंशन बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर एक्शन मैं बता रही हूँ. ये फ्यूचर एक्शन, ये सप्रेशन विथ कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आ रही है. फ्यूचर एक्शन में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है वोगो कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, कंट्रोलिंग होने वाले हो उस रिलेशनशिप में. तो मुझे ये दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम पे आपको निग्लेक्ट करते हुए एनर्जी में दिख रहे हैं. एंड आई एम सीइंग दैट बहुत नेगेटिविटी आते हुए दिख रही, बहुत फाइट्स होते हुए दिख रही हैं. मैं बता रही हूँ एंड ये मुझे बताऊँ क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी. कहीं ना कहीं मुझे वोगो, अब मैं आपकी एनर्जी पर आती हूँ. आई थिंक आई शुड डिस्कस अबाउट योर एनर्जी मोर. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को,
या इवन सोशल मीडिया को में चीज़ें देख रहे हो कि अरे उसकी लव लाइफ तो बड़ी अच्छी है, उसकी तो ये हो रहा है, उसका तो वो हो रहा है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों की लव लाइफ से। वो वाई आर यू कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ अपना अच्छा रूप दिखाते हैं, बुरा रूप तो कोई दिखाता नहीं है। थर्डली मुझे ये बात करनी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की लव लाइफ क्या चल रही है, उससे वाई डू यू केयर? हुआ को जस्ट टेल मी दैट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत एक कंपैरिजन की एनर्जी में आ गए हो। वो को वाई सो? और मुझे ये दिख रहा है कि आपका आपका नेचर बड़ा कंप्लेनिंग नेचर का हो रहा है, बहुत कंप्लेन कर रहे हो, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी हो रही हैं, जिस वजह से ये पार्टनर आपका बहुत सफ़र करते हुए दिख रहा है। वो गो आई वुड से दैट प्लीज़ अपने अपने अंदर की ना नेगेटिविटी हटाओ। सेम एनर्जी टॉरस की भी आई थी, बट उनके में ट्यूनिंग इन था। आप मुझे दिख रहा है लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की लव लाइफ कैसी चल रही है, उसे देख देख कर आप अपनी लव लाइफ डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहे हो। वन मोर थिंग, आपकी राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव में दिख रही है। देर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इट इज एंड यू हैव टू रिमूव दैट नेगेटिविटी प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से ये इम्पैक्ट हो रहा है ना ओवरऑल रिलेशनशिप में, मुझे इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है इन फ्यूचर। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत जेन्युइन केयर है, सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं यू डोंट वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। रिलेशनशिप में आने का मतलब होता है कि एक दूसरे को वो सपोर्ट, वो प्यार देना, ना कि अपनी अपनी नेगेटिविटी दूसरे के ऊपर डालना। समझ में आ रहा है वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज़, क्योंकि फ्यूचर, सी फ्यूचर मुझे दिख रहा है क्लिंगिंग टू पास्ट, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका पास्ट, मोकरी रेट्रोगेड आने वाला है 13 दिसंबर के बाद से, तो मुझे दिख रहा है कि आपका कोई पास्ट का पर्सन भी आते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। वो दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। तो मुझे दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। मैं बता रही हूँ वो कोई भी पास का पर्सन अगर आपकी लाइफ में टपक पड़ रहा है तो उसको प्लीज़ जाने देना और इस पर्सन पे फोकस करना। सो क्लिंगिंग टू द पास की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप। एंड देखिए ये लड़की सर पकड़ के बैठी हुई है। अगर अभी भी अपने पास में स्टक हो वो, देन प्लीज़ शेम ऑन यू, मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जी। एंड मुझे दिख रहा है ये आपका कोई पास का पर्सन आते दिख रहा है, डोंट एंटरटेन दैट पर्सन, अदरवाइज यू विल स्पॉइल दिस रिलेशनशिप। बाकी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होते हुए दिख रहा है, बट प्लीज़ काइंडली वर्क ऑन योर सेल्फ। वो दिस टाइम आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। वो लेट्स चेक सम अफर्मेशन, देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन डेक से क्या अफर्मेशन आता है। ओके, ये कार्ड गिर गया, इसी को कंसिडर कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। विजडम, विथ एवरी रिलेशनशिप आई गेन इनवैल्यूएबल विजडम, आई एम कंटिन्यूअली लर्निंग विच क्वालिटी स्टिमुलेट सपोर्ट एंड इंस्पायर मी एंड विच वन मेक्स मी वॉन्ट टू क्रॉन अ सूप स्पून इन टू ईयर एंड टर्न इट स्लोली इन दैट सेंस इवन फेल रिलेशनशिप और एक्चुअल सक्सेस। सी हाउ वाइस आई साउंड? विजडम लेके आई है अपने अंदर, वही गाइडेंस है। ये यही बोल रहा है कि पास के रिलेशनशिप में आपने कोई लेसन सीखा होगा, तो उस लेसन को लर्न करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। अपने अंदर अंदर की कमियों को ठीक करने की कोशिश करिए, यही सेम गाइडेंस फिर से आया है। दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।